स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में क्लास 10 का मैथ देख रहे हैं। इसका एक्सरसाइज है 3.4। तो 3.4 का पहला क्वेश्चन है विलोपन विधि तथा प्रत्यास्थापन विधि से हल करें। तो विलोपन विधि या प्रत्यास्थापन विधि से इसमें हल करना है इस क्वेश्चन में। तो प्रत्यास्थापन विधि इसका पहला एक्सरसाइज, इसके पहले का एक्सरसाइज में देखे थे, इसके पहले का वीडियो में आपको बताए थे प्रत्यास्थापन विधि सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे सॉल्व होता है। इसलिए इस मेथड को इसमें नहीं बताएंगे, इसमें सिर्फ देखते हैं विलोपन विधि। आप अगर उस वीडियो को ना देखे हो तो उस वीडियो को प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं, प्रत्यास्थापन विधि में कैसे सॉल्व होता है क्वेश्चन, वो उसमें बताया गया है प्रत्यास्थापन विधि से उसमें सॉल्व किए हैं। इसमें देख रहे हैं विलोपन विधि। तो विलोपन विधि में क्या करना है देखिए, पहले क्वेश्चन उतारते हैं, विलोपन विधि से देख रहे हैं। विलोपन विधि को इंग्लिश में बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। तो एलिमिनेशन मेथड से कैसे क्वेश्चन बनता है, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। एक्स प्लस वाई बराबर है 5 और इसी का दूसरा इक्वेशन है 2x माइनस 3y बराबर 4। तो इसको मान लेना है समीकरण 1, इसको समीकरण 2। क्लियर है। अब इसमें क्या करना है कि x या y को बराबर कर देना है। तो बराबर कैसे होगा, यानी कि x यहाँ पे सिर्फ x है, यहाँ पे 2x है, तो इसको भी 2x बना देंगे। या तो y को बराबर करेंगे तो यहाँ 3y है, तो ऊपर भी 3y बना देंगे। तो ये कैसे बनेगा, तो गुना करना पड़ेगा। तो कितना से गुना करना पड़ेगा, तो उसके लिए x वाला को गुना करें, x को बराबर करना है तो x वाला को गुना करें, और y को बराबर करना है तो y वाला को गुना करें, है ना। यानी यहाँ पे हम देखिए अगर x को बराबर कर दें, ठीक है, तो x में हमको क्या करना होगा, नीचे जितना रहेगा x के साथ संख्या उसको ऊपर गुना कर देंगे, और ऊपर जितना रहेगा उसको नीचे, यानी x के साथ नीचे 2 है तो ये ऊपर वाला इक्वेशन में 2 को गुना कर देंगे, और इसके साथ कुछ नहीं तो 1 है तो नीचे गुना कर देंगे 1 से, ठीक है। आप चाहे तो लिख सकते हैं समीकरण 1 को 2 से और 2 को 1 से गुना करने को, है ना। इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वेशन 2 को 1 से, क्यों, क्योंकि x को हमको बराबर करना है या y को बराबर करना है। यानी कि y को अगर बराबर करना चाहते हैं तो 3 को ऊपर गुना करते हैं, और इसका y में कुछ नहीं 1 है तो 1 को नीचे, यानी 3 को समीकरण 1 से और 1 को गुना करेंगे समीकरण 2 से तो भी बनेगा, तो y इक्वल होगा उसमें। तो y या x को इक्वल करना है, मेन काम है गुना करने का, मेन मकसद वही है कि y या x को इक्वल कर दें। क्यों इक्वल करना है उसको अभी देख लें, समझ में आ जाएगा। तो ये 2 से गुना करते हैं, तो 2 से गुना करें तो 2 एक 2x, तो ये सभी से गुना कर देना है, ऐसा नहीं कि x से गुना करके छोड़ देंगे। अब गुना कर रहे हैं तो पूरा इक्वेशन से करेंगे, तो x से गुना किया 2x हुआ, y से गुना करेंगे तो 2y हो जाएगा, फिर इधर 5 से गुना करें तो 5 × 2 = 10, ये हो गया। अब यहाँ x से गुना करना है तो 1 × 2 = 2x, ये माइनस में माइनस 3y बराबर 4, x से गुना करना है तो उतना ही रहेगा। अब इसको जोड़ देना है, तो ये प्लस में तो प्लस माइनस कर देना है, प्लस में तो माइनस लगा देना है, माइनस रहे तो प्लस, प्लस रहे तो माइनस, यानी साइन चेंज कर देना है, समझिए, ठीक है। प्लस रहे तो माइनस, माइनस रहे तो प्लस, प्लस रहे तो माइनस, तो इसको घटा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे घटा पहले से तो जोड़ हो जाएगा, है ना। तो इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि प्लस साइन चेंज कर देना है, प्लस रहे तो माइनस, माइनस रहे तो प्लस, प्लस रहे तो माइनस। तो ऐसे करेंगे तो क्या होगा, 2x में 2x माइनस होगा तो कट गया, मतलब 0 हो गया। तो इसको 0 को करने के लिए ही इसको इक्वल करते हैं, अगर ये 0 नहीं होगा तो फिर आगे सॉल्व ही नहीं होगा, इसलिए पहले एक ठो किसी x या y को इक्वल करके उसको 0 कर देना है। तो ये 0 हो गया। अब इधर देखिए प्लस प्लस प्लस, तो 2 × 3 = 5y हो गया बराबर, 10 में 4 घटाओ माइनस है तो घटाएंगे 10 में 4 = 6, तो y बराबर क्या आ गया 5 × 9 है, इधर जाएगा तो भाग में, तो y बराबर 6/5, तो y का वैल्यू आ गया। अब हमको x का भी लाना है, तो यहाँ लिखेंगे y का मान समीकरण 1 या 2 कहीं भी रख सकते हैं, तो 1 में रखने पर 1 में रखते हैं। तो ये प्रत्यास्थापन विधि से आसान है, इसी विधि से आप एग्जांपल में बना सकते हैं, क्योंकि एग्जांपल में रहेगा सिर्फ हल करे लिखा हुआ रहेगा, सॉल्व लिखा हुआ रहेगा, तो आप कोई भी विधि लगा के उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं, इसमें y का मान समीकरण 1 में रखते हैं, तो समीकरण 1 है x + y = 5, तो x + y = 5। अब y का मान रखना है तो x तो रह जाएगा, प्लस y की जगह 6/5 = 5,
तो एक्स बराबर क्या हो गया, पाँच पहले से, ये प्लस में इधर आया तो माइनस पाँच बटा छः। यहाँ कुछ नहीं तो एक लगा के इसको जोड़ देते हैं, घटा देते हैं, तो पाँच पच्चे पच्चीस, माइनस छः का छः और नीचे पाँच का पाँच। फ्रैक्शन में तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं, तो यहाँ घटा हुआ तो घटाएंगे, पच्चीस में छः घटाएं तो उन्नीस बटा पाँच, तो एक्स का वैल्यू आ गया उन्नीस बटा पाँच और वाई का वैल्यू आया था छः बटा पाँच। तो ये दोनों हो गया आंसर, क्लियर है। तो इस तरह से एक्स और वाई का मान हमको निकालना है, इसी को बोलते हैं विलोपन विधि। तो ये प्रतिस्थापन से आसान है ना। एक और क्वेश्चन देखते हैं ताकि और अच्छा समझ में आए, एक दो क्वेश्चन और बना के देखते हैं। एक लेते हैं 3x प्लस 4y बराबर 10, ये है, और इसका दूसरा इक्वेशन है 2x माइनस 2y बराबर 2। इसको मान लेते हैं 1, इसको मान लेते हैं 2। अब इसको भी इक्वल करना है, तो इक्वल करने के लिए गुना करना होगा x या y का कोफिशियंट जो है उससे। तो चलिए इसमें x इक्वल किए थे पहला क्वेश्चन में, इसमें y को इक्वल करते हैं। तो y को इक्वल करने के लिए y का जो नीचे वाला संख्या है y के साथ जितना है उतना गुना हो जाएगा ऊपर, और ऊपर जो है वो नीचे, मतलब दूसरा इक्वेशन से गुना हो जाएगा। तो इसको आप लिख लें कि समीकरण एक को दो से और समीकरण दो को कितना से, चार से गुना करने पर, ठीक है। तो गुना करें तो क्या होगा, दो तिया छः एक्स प्लस दो चौके आठ वाई बराबर दो दहियाँ बीस। फिर चार से नीचे करना है दूसरा इक्वेशन को, तो चार दूनी आठ एक्स, चार दूनी माइनस में आठ वाई, फिर चार दूनी आठ, क्लियर है। अब इसको जोड़ घटाव करना है, यानी कि आप चाहे तो देखिए, अगर कट रहा है तो प्लस माइनस नहीं भी लगाएंगे तो चलेगा। देखिए इसमें एट एट अपने पहले से कट रहा है, तो इसमें प्लस माइनस नहीं भी लगाएं तो डायरेक्ट काट सकते हैं, और अगर लगाएंगे तो फिर दिक्कत हो सकता है, क्योंकि अगर इसमें माइनस प्लस का माइनस माइनस का प्लस लगा दे तब तो ये जुट जाएगा, आठ आठ सोलह हो जाएगा। तो इसीलिए अगर पहले से कट है बिना प्लस माइनस लगाए तो आप उसको डायरेक्ट काट सकते हैं। जैसे ये कट गया तो ये जोड़ है, तो जोड़े तो छः और आठ चौदह एक्स बराबर, इधर हो गया बीस और आठ अट्ठाईस, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा अट्ठाईस बटा चौदह, तो चौदह दूनी अट्ठाईस, तो एक्स का वैल्यू आ गया टू। अब इसी एक्स को लिखेंगे एक्स का मान वन में रखने पर, एक या दो कहीं भी रख सकते हैं, तो एक में रखते हैं तो एक इक्वेशन है 3x प्लस 4y बराबर 10, तो x का मान रखना है, तो x का 2 रखें तो x जगह 2 रख दिए, प्लस इधर बाकी जैसा है वैसे उतार दें, तीन दूनी छः हो गया प्लस 4y बराबर 10। अब 4y बराबर 10 प्लस में 6 है तो इधर माइनस में, तो 6 में 4 माइनस होगा तो 4, तो y बराबर क्या हो गया, गुना में 4 है तो नीचे भाग में इधर आया था तो 1, यानी कि y बराबर 1, और x बराबर कितना आया था 2, हो गया आंसर, क्लियर है। तो इस तरह से एक्स वाई का वैल्यू आप आसानी से निकाल सकते हैं विलोपन विधि द्वारा, सब्स्टिट्यूशन मेथड द्वारा, इसी को बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड या विलोपन विधि, ठीक है। अच्छा, एक फ्रैक्शन का क्वेश्चन देख लेते हैं, क्योंकि फ्रैक्शन वाला को देखते हैं आप लोग थोड़ा सा नर्वस हो जाते हैं। तो ये फ्रैक्शन में क्वेश्चन है, इसको कैसे करेंगे, तो यहाँ कुछ नहीं तो यहाँ भी इसको भी वन करके फ्रैक्शन कर दे रहे हैं। तो अब देखिए फ्रैक्शन में, तो फ्रैक्शन से अगर दिक्कत है तो इसको सीधा कर लेंगे, सीधा कैसे करेंगे, तो ये प्लस में इसको जोड़ देंगे, और कैसे जोड़ेंगे, तो फ्रैक्शन वाला जोड़ यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई करके या एलसीएम निकाल करके जोड़ेंगे। तो चलिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके पहले जोड़ लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, तीन और एक्स गुना हुआ था, तीन एक्स प्लस दो और दूनी चार वाई, और नीचे नीचे गुना होता है तो नीचे गुना होगा तो हो जाएगा तीन दूनी छः इक्वल टू, इधर है माइनस वन, अब ये छः भाग में है तो उधर जाएगा, तो थ्री एक्स प्लस फोर वाई इधर बचेगा और इधर भाग है तो इधर गुना है, तो छः का छः माइनस छः, अब सीधा हो गया फ्रैक्शन खत्म, इसको मान लेते हैं वन, इसको भी सीधा करते हैं तो तीन और एक्स गुना होगा तीन एक्स और माइनस वाई और एक गुना होगा तो वाई का वाई और नीचे तीन का तीन, इधर है तीन, अब इधर हो गया थ्री एक्स माइनस वाई रह जाएगा और ये तीन भाग है तो उधर गया तो गुना, तीन तीन नौ, ये बन गया समीकरण टू, इक्वेशन टू। और फिर से समीकरण वन और टू से बनाते हैं, एक जगह लिख लेते हैं ताकि देखेंगे गुना कितना करना होगा, थ्री एक्स प्लस फोर वाई इक्वल टू माइनस सिक्स आया पहला, दूसरा थ्री एक्स माइनस वाई बराबर नाइन। अब देखिए इसमें तो पहले से इक्वल दिख रहा है, तो इसमें गुना करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें बिना गुना किए सिर्फ जोड़ घटाव करेंगे, तो इक्वल तो दिख रहा है लेकिन प्लस में है, तो प्लस में तो क्या करेंगे, माइनस लगाएंगे,
तो माइनस लगाएंगे तो सभी में माइनस लगाएंगे, सभी का साइन को चेंज करेंगे। ये प्लस में तो माइनस किए थे, ये माइनस का प्लस हो जाएगा, ये प्लस का माइनस, ठीक है। अगर पहले से माइनस रहता तो साइन भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और अगर पहले से माइनस ना हो यानी कट ना रहा हो तो माइनस लगाएं, प्लस का माइनस और माइनस का प्लस, है ना। माइनस लगा रहे हैं तो ये माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे माइनस है पहले से तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ भी प्लस है तो प्लस माइनस माइनस होगा। तो ये इस तरह से कट गया। अब इसको जोड़े तो वाई, चार वाई में एक वाई जोड़े तो पाँच वाई। अब यहाँ माइनस माइनस प्लस यहाँ भी होगा लेकिन लगेगा माइनस, नौ में छः जोड़े तो पंद्रह। तो वाई बराबर क्या आ जाएगा, पाँच दिया पंद्रह, डायरेक्ट काट देंगे तो ठीक है, या इधर डिवाइड में करके काटे कोई दिक्कत नहीं है। अब फिर से y का मान लिखेंगे, y का मान समीकरण एक या दो कहीं पे भी रख सकते हैं, दो में रखते, चलिए दो में रखने पर समीकरण दो कितना है, 3x माइनस वाई बराबर नाइन, ये है समीकरण दो। इसमें रखते हैं y का मान, तो 3x पहले से है माइनस वाई, वाई की जगह है माइनस तीन आया, तो माइनस तीन बराबर नौ। अब देखिए 3x माइनस माइनस प्लस तीन बराबर नौ, तो 3x बराबर क्या हो जाएगा, 9 प्लस में तो इधर माइनस में, तो x बराबर हो गया घटाए तो 6, और ये भाग है तो इधर गुना है तो भाग में, तो कटे तो क्या बच गया 2, और y का वैल्यू आया था माइनस 3, तो ये हो गया इसका आंसर। तो इस तरह से ये था विलोपन विधि। तो और भी एक आध दो क्वेश्चन है तो उसको आप अपने से कर लीजिए ताकि आपको अच्छा से और समझ में आ जाए, क्लियर हो जाएगा क्वेश्चन। तो इस तरह से दो विधि हम पढ़े, प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि। प्रतिस्थापन विधि इससे पहले का वीडियो में है, आप उसे जा करके सीख सकते हैं क्या होता है प्रतिस्थापन विधि। इसमें देखें विलोपन विधि, अगला वीडियो है उसमें है वज्र गुणनखंड विधि देखेंगे, है ना। अगला एक्सरसाइज वज्र गुणनखंड विधि से कैसे सॉल्व करते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।